नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोटपैड के बारे में, नोटपैड कैसे काम करता है और उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अभी हमने नोटपैड ओपन कर लिया है, अब इसे हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं आई आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो। अभी देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया है आई एम आई क्रिएटिंग अ वीडियो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फाइल पर क्लिक कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप न्यू फाइल बना सकते हैं कंट्रोल के साथ एन दबा के। उसके नीचे है ओपन। यदि आपने किसी फाइल को, नोटपैड फाइल को सेव करके रखा है तो आप कंट्रोल ओपन से उसे फिर से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने किसी फाइल को सेव नहीं करा है तो उसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, और जो फाइल आप एडिट करोगे उसे कंट्रोल एस करोगे, यानी सिर्फ खाली सेव करोगे। इसके बाद पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको साइज मिल जाएगा। यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हम ए फोर साइज का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हो और इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद हम फिर से फाइल में चले जाते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद है एग्जिट। जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो आप नोटपैड से बाहर आ जाओगे। इसके बाद है एडिट। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जैसे ही कॉपी करेंगे और फिर हम एक एंटर करते हैं और फिर एडिट में जाते हैं। इसके बाद हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड। यदि आपको कुछ डाटा ढूंढना है तो आप कंट्रोल फाइंड कर सकते हो। जैसे आप फाइंड पर क्लिक करोगे और आपको कुछ भी ढूंढना है, जैसे हम लिख देते हैं एम और हम इसे फाइंड करेंगे, तो ये कैन नॉट फाइंड बोल देगा। ये कैन नॉट फाइंड इसलिए बोल देगा कि अभी यहाँ पर डाउन पर क्लिक है। जैसे ही हम अप पर क्लिक करेंगे और फाइंड करेंगे तो ये देखिए, ये फाइंड हमें बता देगा कि हमारे पास एम कहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगला है फाइंड नेक्स्ट। जैसे जो भी आपने फाइंड किया हो, अगर वो दो तीन जगह लिखा है तो आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ये फाइंड के साथ ही यूज़ होता है। इसके बाद है रिप्लेस। यदि आप किसी वर्ड की जगह और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम एम की जगह द लिख देते हैं तो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे तो एम जहाँ लिखा था वहाँ पर द हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद अगला है गो टू। गो टू का यूज़ कैसा होता है कि मान लीजिए अभी आपने लाइन टू लिखा है तो ये आपको लाइन टू के स्टार्ट में ले जाएगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए आप फिर से गो टू का इस्तेमाल करेंगे और आप यहाँ पर आप लिखोगे वन और गो टू करोगे तो आपको ये पहली लाइन के स्टार्ट में ले जाएगा। तो गो टू का यूज़ यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला है सेलेक्ट ऑल। इसके बाद अगला है टाइम एंड डेट। अगर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हो तो आपके पास टाइम एंड डेट आ जाएगा। इसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट में अगर आप रैप पर टिक लगाते हो तो आप यहाँ पर कितना भी डाटा लिखें आपका डाटा आपको सामने दिखेगा। और यदि मान लीजिए आप फॉर्मेट में ही रैप से टिक हटाते हो तो ये आपको पूरा एक लाइन में दिखेगा। फिर से देख लीजिए, फॉर्मेट में जाके आप अगर रैप पर टिक लगाते हो तो ये आपको सामने दिखेगा एक ही शीट में, और यदि आप रैप से टिक हटाते हो तो ये आपको पूरा लंबा दिखेगा। इसके लिए आपको एंड में जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद है फॉन्ट। यहाँ से आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हो, जिस भी फॉन्ट में आपको यूज करना है। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आप साइज बड़ा कर सकते हो। ओके कर दीजिए। इसके बाद है व्यू। यह है स्टेटस बार। तो ये होता है स्टेटस बार, ये यहाँ जो नीचे दिख रहा है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। इसके बाद लास्ट में हेल्प व्यू अबाउट नोटपैड है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।